काल एक सूत्रकार कहते हैं कि अगर चाहे तो संसार में भी सुखी होना, तुम्हें द्वेष बुद्धि को छोड़, एक जीव के प्रति भी तेरा द्वेष रहेगा तेरा मोक्ष नहीं होगा। कोई भी जगह आप क्रोध लेते हो ना, क्रोध किसी के पास से खरीद कर लो, उसके बाद में न्यूज पेपर में जाहिरत वगैरह देना पड़ता, हमने ये क्रोध ये पार्टी से लिया है, हम यहाँ बिल्डिंग बनाना चाहते, तू भी करना चाहते, किसी को इस विषय में विरोध तो नहीं है, यानी सभी की एनओसी मिलनी चाहिए, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, तो अब जाकर ही आप वो क्रोध पर कोई बिल्डिंग बना सकते हो। मैं कहता हूँ अगर आपको अपनी आत्मा का कल्याण करना है, मोक्ष में जाना है, तो सभी जीवों का एनओसी मिलना बहुत जरूरी है। एक भी जीव के मन में आपके प्रति द्वेष रह गया है, या तो आपके मन में उसके प्रति द्वेष रह गया है, तब तक आपका मोक्ष नहीं होगा। आराधना कर करके मर जाए तब तक कुछ होने वाला नहीं। तो भगवान ये कहते हैं कि अगर तुझे सुखी होना है तो चौथे नंबर की बात, तेरे दिमाग में से तेरे मन में से किसी के प्रति भी द्वेष का भाव है, किसी की प्रगति में तेरे को जलसी हो जाती है, किसी की अधोगति में तेरे को आनंद आ जाता है, समझ ना तेरा मन में उसके प्रति द्वेष देता हो, और ये द्वेष तेरी प्रगति को खत्म कर, ये द्वेष की ताकत है, ये द्वेष की ताकत है। कितना भी सुंदर उत्पाद क्यों ना हो, दो पुण्य झेल पूरे दुपाक को बिगाड़ डालता है, कितनी भी सुंदर पति की तेरी आराधना क्यों ना हो, जो बुंड जितना भी द्वेष, थोड़ा सा भी द्वेष तेरी आराधना।